औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल UMR फूड स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हमारे रिस्क रोज़ी में बरकत दे, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर करें, आमीन। आज मेरे UMR फूड चैनल में आप मिक्स सब्ज़ी बनाना सीखेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। सर्दियों में ये सब्ज़ियाँ ज़्यादा मज़े की लगती हैं। आज मैं मिट्टी की हांडी में आपको बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना ना भूलें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्जी हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल से भी ले सकते हैं, रोटी से भी मज़े की लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखें। चलो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मटर लिए हैं, क्यों गाजर क्यूब में कटिंग कर ली है, आलू क्यूब में कटिंग कर ली है, ये फूल गोभी लिया है मैंने, ये लौकी है, ये ब्रिंजल है, बैगन, बैगन की मैंने छिलका हटा दिया है, इसके स्किन हटा दिए मैंने। कभी बच्चे नखरे भी करते हैं शरीर के खाने के लिए छिलका हटा दिया। आप अपनी मर्जी से भी सब्जियाँ ले सकते हैं, इसे मैंने काट के साफ धोकर रख लिया है। यहाँ प्याज लिए दो अदर स्लाइस की कटिंग की हुई, ये टमाटर लिया है मैंने, पेस्ट बना लिया है दो अदर टमाटर का, 1/4 कप ऑयल लूँगी। ये जीरा लिया है 1/2 टीस्पून सफ़ेद जीरा, लाल मिर्ची का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी टर्मरिक। अब सबसे पहले मैं हांडी में तेल डालूँगी। आज हम मिट्टी की हांडी में बनाएंगे, इसमें भी मज़े का लगती है। सब्जियाँ कोई भी अगर वेजिटेबल बनाना चाहे कोई भी चीज़, उसका जायका ही अलग होता है। मिट्टी की हांडी कभी भी खरीदें तो सबसे पहले आप इसे पूरी रात के लिए पानी में भीगने रख लें, जितना पानी जब्स करना होगा वो कर लेगी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम रख लें। ऑयल डालकर मैं जीरा डालूँगी, जो आपको जीरा बताया था। साथ में प्याज डाल दूंगी, प्याज डालकर हम 2 मिनट से पकाएंगे और कच्चा पक्का होने देंगे और हमारी स्किन फिर प्याज हो जाए। फिर आपको बता दूं क्या करना है। मिट्टी की हांडी में लकड़ी का चम्मच चलाना ज़्यादा बेहतर रहता है। प्याज आप देख सकते हैं कच्ची पक्की हो गई है हमारी। अब हम इसमें टमाटर का जो पेस्ट बताया था मैंने वो डालेंगे। और इसे हम भून लेंगे, टमाटर हमारा अच्छे से पक जाए। साथ में ये स्पाइस जो बताया था आपके लिए डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे तो अच्छा हमारा मसाला बन जाए। अब इसमें हम सॉल्ट मिक्स कर लेंगे, टू टेस्ट मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है। अब इसमें हम वेजिटेबल ऐड करेंगे, वेजिटेबल ऐड करके इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और कवर करके इसे करने के लिए छोड़ दूँगी, फिर आपको बता दूँ कि क्या करना है। ढक्कन करके इसको इस तरह कवर कर लेंगे। 1/4 टीस्पून में मैंने चाट मसाला लिया है, ये भी डालूंगी और मिक्स करके मैं इसे कवर करूंगी। फिर आपको बता दूँ कि क्या करना है। एक बार मैंने एक बड़ी वाली ग्रीन चिली ली, अभी ऐड करूंगी। Thank you.
सकते हैं, घड़ी नहीं कम्प्लीट, कुछ देर लगेगी, जब तक मैं इसे कवर करके रखूँगी फिर आपको बता दूँ क्या करना है। आप देख सकते हैं सब्जी हमारी गल गई है, आलू भी गल गए हैं, ये कैरेट भी डन हो गई है। अब इसमें मैं ये कसूरी मेथी मेरे पास ये डाल दूँगी और इसे अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ताज़ी मेथी थी, आप ताज़ी मेथी भी डाल सकते हैं, फ्रेश जो आती है डी वाली, और इसे मैं मिक्स करके एक दो मिनट के लिए कवर करके रख लूँगी। आप देख सकते हैं मज़ेदार से वेजिटेबल हमारी तैयार हो गई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अब इस पर हम ग्रीन अनियन में इस तरह से स्प्रिंकल करें, ग्रीन अनियन के लीफ, और चूल्हा हम बंद कर देंगे और ये फ्लावर इस तरह से लगा के मैं डेकोरेट करूँगी। अल्लाह हाफिज़।